अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा तौर पर सड़क पर आतिशबाजी करते नजर आते हैं, नारे लगाते नजर आते हैं और मोदी योगी के जयकारे करते हुए नजर आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये तो है कार्यकर्ताओं की बात, अब बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों की। इनके कुछ ट्वीट हैं जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आए हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है अजीत अंजुम, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उसमें बाकायदा उन्होंने बताया है कि क्या क्या ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के जरिए किए गए हैं और उसमें किस तरह से इन दोनों की हत्या को सही ठहराया गया है और इसको क्या कहा गया है। मैं सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं छोटी सी, कि जिस क्लिप में ये जश्न मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं के जरिए, उसके बाद मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक के जरिए किए गए, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर जो कि लोनी से भाजपा के विधायक है उनका नाम भी शामिल है। सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए आप। ये देखा आपने, आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है अतीक और अशरफ की हत्या पर। यह हत्या कैसे हुई उसका पूरा वीडियो आपने देखा है। इस हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे और शामिल होने वाले लोग क्या कर रहे थे यह भी आपने देखा है, और शामिल होने वाले लोगों ने किस तरह से नारेबाजी की हत्या करने के बाद, वो भी तस्वीरें आपने देखी। इस पर अभी नहीं जाते हैं, पहले जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसके बारे में सुन लीजिए। ये लोग मोदी और योगी के जयकारे कर रहे हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम के नारे लगा रहे हैं और बाकायदा तौर पर आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है इस तरह के हत्याकांड पर। किस तरह का यह हत्याकांड है आपने देखा है, वीडियो वायरल हो चुका है, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है। पुलिस की मौजूदगी में बदमाश आते हैं, आतंकवादी आते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट दिखाना चाहता हूं जिनको अजीत अंजुम ने ट्वीट करके जनता के सामने लाया है। अब आप ये अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। अजीत अंजुम ने लिखा, यूपी पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद स्वतंत्र देव सिंह और सुरेश खन्ना जैसे मंत्रियों और नंदकिशोर गुर्जर जैसे विधायक के बयान पर गौर कीजिए। जिस यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं उनके नुमाइंदे कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। यह अजीत अंजुम का ट्वीट है। अब एक एक करके ट्वीट देखते रहिए। ये जो आपके स्क्रीन पर ट्वीट चल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नंदकिशोर गुर्जर जो कि विधायक है उनके ट्वीट हैं। ये इस हत्याकांड को, इस कत्ल को, इस बड़ी घटना को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं और इस घटना को उनके लिए बदला कह रहे हैं। जो जैसा कर रहा था वो वैसा भरेगा, यानी पूरी तरह से इसको सही ठहराने की कोशिश इन नेताओं के जरिए की जा रही है। ये वही कत्ल है, ये वही हत्या है कि जिस पर यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, यूपी पुलिस की इस चूक पर सवाल उठ रहे हैं और यूपी सरकार के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, कोई आता है और हत्या करके इस तरह से चला जाता है और फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ना उठे, यह तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, सरकार पर सवाल, लेकिन वहीं उसी के साथ यह पदाधिकारी, यह कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जिससे बीजेपी अपना दामन झाड़ लेगी कि यह हमारे कार्यकर्ता हैं और क्या कर रहे हैं यह तो इनका अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन नहीं, एक विधायक है और दूसरे मंत्री हैं, उनके जरिए यह बयान दिए जा रहे हैं, उनके जरिए इन बयानों को सामने रखा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ और अतीक और अशरफ के साथ यही होना चाहिए था। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। युवा मोर्चा की आवाज, मिश्रा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद।